नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा होने की प्रस्तावित तिथि दिनांक 5 दिसंबर 2018 को है। दोस्तों, यूपी टेट 2018 में 14 विवादित प्रश्नों को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अभ्यर्थियों के द्वारा कई याचिकाएँ डाली जा चुकी हैं। दोस्तों, अब इन याचिकाओं के बाद से क्या यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा कल हो पाएगी या फिर इसका भी हाल वैसा ही होगा जैसे यूपी टेट 2017 के मामले में यूपी टेट 2017 के रिजल्ट की घोषणा होने पर स्टे लगा दिया गया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अलावा यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा के बाद से और आगामी 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए जारी होने वाले जीओ के बाद से उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर में बैक अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा इस हफ्ते के आखिरी में होने वाली है। तो क्या बीटीसी 2015 बैच इस पूरी भर्ती के लिए वैलिड होगा, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, 14 विवादित प्रश्नों को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2018 के संदर्भ में याचिका दायर की जा चुकी है। दोस्तों, जितनी तेज़ी यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा और आगामी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जीओ जारी करने में दिखाई जा रही है, ये तेज़ी निश्चित तौर पर इस आगामी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में और भी ज़्यादा विलंब कर सकती है। जैसा कि आप पुराने साक्ष्य भी देख सकते हैं कि पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में यूपी टेट 2017 के विवादों को दरकिनार करते हुए उसको तेज़ी से कराई गई थी और वह मामले अभी भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और कई एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है यूपी टेट 2017 को लेकर के। तो दोस्तों, जितनी तेज़ी इसमें दिखाई जा रही है, अगर इन सभी विवादों को खारिज ना करते हुए, इन सबको अगर सॉल्व करते हुए इस भर्ती को सुचारू रूप से चलाया जाए तो यह सबके हित में होगा, क्योंकि भविष्य में जितनी तेज़ी अभी दिखाई जाएगी उतना ही ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। दोस्तों, बीटीसी 2015 बैच के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आज पीएनपी एससीईआरटी ऑफिस और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी से भी मिल रहे हैं ताकि वह अपने मुद्दों को मजबूती से रख सकें, क्योंकि जीओ जारी होने के बाद से अगर उनके रिजल्ट की घोषणा होती है तो इस बात का कंफर्मेशन होना बिल्कुल भी ज़रूरी है कि क्या उनका आगामी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एंट्री वैलिड होगा या फिर नहीं। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।